हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रंबल। मैं हूं तुषार। एंड चलिए शुरू करते हैं डिस्कस करना 15 अप्रैल यानी 15 अप्रैल के डेली करंट अफेयर्स। एंड फॉर डेली क्विजेस, पीडीएफ्स एंड रेगुलर अपडेट्स आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं सेशन को विदाउट एनी डिले। सो ऑलराइट, देखिए आज का पहला क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नाडा। नाडा है आपका नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ओके, सो आपसे यही पूछ रहा है कि इसके भी महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस। सो देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सिद्धार्थ सिंह लॉन्ग जैम। सो सिद्धार्थ सिंह लॉन्ग जैम को अभी अभी अपॉइंट किया गया एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ नाडा। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज लॉन्च द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ई सेंटा फॉर मरीन प्रोडक्ट्स, यानी समुद्री उत्पादों के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ई सेंटा, ये किसने अभी लॉन्च किया आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल यानी भाई जो रेलवे मिनिस्टर हैं, इन्होंने अभी अभी लॉन्च किया है एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ई सेंटर फॉर मरीन प्रोडक्ट्स। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज इनॉग्यूरेटेड द 6th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग, यानी रायसीना संवाद के 6th संस्करण का उद्घाटन किसने किया। और देखिए रायसीना डायलॉग को मैंने आपको कवर कराया था हमारे इंटरनेशनल और नेशनल समिट्स के सेशन में। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा, एक बार जाके जरूर देखिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है वो सेशन, तो जाके जरूर देखिएगा उसे। सो देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शन, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या फिर हर्षवर्धन। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, नरेंद्र मोदी। यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी भी इनॉग्रेशन किया रायसीना डायलॉग का। अब देखिए इस डायलॉग की खास बात क्या है, इसका एक फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। ये जो डायलॉग आपका हर बार होता है आपका न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है, न्यू दिल्ली में होता है हमेशा आपका रायसीना डायलॉग। और इसके अलावा देखिए वन मोर थिंग जो आपको पता होनी चाहिए। सो देखिए इस बार का ये जो आपका डायलॉग हो रहा है आपका वर्चुअली हो रहा है, क्योंकि आपको था कोविड-19 फैला हुआ है हर जगह। और इसका देखिए थीम भी आपको पता होना चाहिए। सो देखिए इसका थीम क्या था, इसका थीम था इस बार वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। ओके, वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। ओके, ये था इस बार का थीम आपका रायसीना डायलॉग का। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट है आपका, विच अमंग दी फॉलोइंग लॉन्च दी इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड वर्जन 2.0, यानी निम्नलिखित में से किसने इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड वर्जन 2.0 को लॉन्च किया, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर आपके ऑप्शन। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नीति आयोग। यानी नीति आयोग ने अभी अभी लॉन्च किया है इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड वर्जन 2.0। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आप ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है, मार्क कर लीजिए। चलिए बाकी चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द रियल मैड्रिड टिल 2025, यानी 2025 तक के लिए रियल मैड्रिड जो कि आपका क्या है फुटबॉल क्लब है, इसके अध्यक्ष को किसलिए चुन लिया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। पर ये आपके ऑप्शंस। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, फ्लोरेंटिनो पेरेस। सो फ्लोरेंटिनो पेरेस को अभी अभी फिर से इलेक्ट किया गया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब टिल 2025। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु बिकेम दी ओल्डेस्ट ओलंपिक टॉर्च वियरर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप मार्क कर लीजिए, काफी हाई चांसेस है कि आपके किसी ना किसी एग्जाम में सवाल बनेगा ही बनेगा। ओके, सो देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शंस। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, शिगेको ककावा। सो शिगेको ककावा बने हैं आपके ओल्डेस्ट ओलंपिक टॉर्च बेयरर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो आप ध्यान रखेंगे इसे। चलिए अब आगे चलते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु बिकेम दी फर्स्ट प्लेयर टू हिट 356 इन आईपीएल। आईपीएल क्या होता है आपका, इंडियन प्रीमियर लीग। ओके, सो आईपीएल में 350 छक्के मारने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर आपके ऑप्शन, रोहित शर्मा, क्रिस गेल, स्टीव स्मिथ या फिर ग्लेन मैक्सवेल। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्रिस गेल। यानी क्रिस गेल ने अभी अभी बनाया रिकॉर्ड ऑफ 356 इन आईपीएल। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मच परसेंट जीडीपी ग्रोथ फॉर इंडिया फोरकास्टेड बाय नमूरा फॉर फिस्कल ईयर 2021-2022। देखिए नोमूरा क्या है, आपकी एक रेटिंग एजेंसी है जो कि रेट करती है वर्ल्ड की डिफरेंट इकोनॉमीज को, लाइक इंडिया, यूएसए, इस तरह के डिफरेंट इकोनॉमीज को रेट करते हैं। सो इनके अकॉर्डिंग इंडिया की जीडीपी क्या रहेगी 2021 से 22 के बीच में, आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 12.6%। यानी नोमूरा के अकॉर्डिंग इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रहेगी वो रहेगी 12.6%। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली हु हैज लॉन्च द मिशन आहार क्रांति। यानी भी हाल ही में आहार क्रांति जो एक मिशन है आपका, किसने शुरू किया है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हर्षवर्धन। सो हर्षवर्धन जी ने अभी भी शुरू किया, अभी भी लॉन्च किया हमारा आहार क्रांति मिशन। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इक्वाडोर।
यानी इक्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर रहे आपके ऑप्शंस। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गिलमेरो लैसो। सो गिलमेरो लैसो को अभी अभी इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर, आप ध्यान रखेंगे क्या नाम है, गिलमेरो लैसो। ओके चलिए अब आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कल का क्वेश्चन फॉर यू जो दिया गया था आपको करने के लिए। सो देखिए कल का क्वेश्चन फॉर यू था आपका, मरुनी इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट, यानी मरुनी आपका किस स्टेट का फोक डांस है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और ये क्वेश्चन आपका आ गया था एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आपको पता ही है फोक डांसेस आपके क्वेश्चन बन जाते हैं स्पेशली नॉर्थ ईस्ट और साउथ के जो आपके स्टेट्स हैं। ओके सो देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शन, सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम। सो सिक्किम का फोक डांस आपका मरुनी। ओके और अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए एक सेशन ला दूंगा फोक डांसेस के ऊपर। ओके तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन फॉर यू क्या आप लोगों के लिए। सो देखिए आज का क्वेश्चन फॉर यू आप लोगों के लिए, हु इज द एक्सकवेटर ऑफ लोथल द साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे आप हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, तो इसी की एक साइट है, इसका नाम है लोथल। काफी फेमस साइट है, काफी बार आपके एग्जाम में से सवाल बनता है, चाहे वो एसएससी का हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या फिर यूपीएससी का सीडीएस हो, आपको यहाँ से सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो आपसे ही पूछा कि इस साइट के एक्सकवेटर कौन है, यहाँ पर ये आपके ऑप्शन, दयाराम सानी, रखलदास बैनर्जी, एसआर राव या फिर जेपी जोशी। सो इन चारों ऑप्शंस में से एक करेक्ट आंसर चूज करके आपको लिखना है कमेंट सेक्शन के अंदर, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सर से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।